आज मैं देहरादून प्रेम नगर गुरुद्वारा में माथा टेक के यहाँ से निकला हूँ पौंटा साहिब के लिए। पौंटा साहिब में दर्शन करने के बाद मैं वहाँ से निकलूँगा अनंतपुर साहिब, जो केसगढ़ साहिब जो तखत है, तखत गुरुद्वारा है, वहाँ पर जाकर माथा टेक के वहाँ पर पाठ पूजा अरदास करके मैं वहाँ से आगे निकलूँगा। आगे निकल के मैं जाऊँगा अमृतसर। चलो स्टार्ट करते हैं आज का जर्नी। ये मैं मेन रोड पे आ चुका हूँ, मेन हाईवे पे आ चुका हूँ, जो प्रेम नगर के बाहर से अभी स्टार्ट हो रहा है। ये जो रोड है ये देहरादून से निकलकर पौंटा साहिब जो रास्ता जाता है ये वाला रोड है। बहुत अच्छा रोड है, क्लाइमेट भी एकदम कूल है, दोनों साइड में झाड़ियाँ है, ये नेशनल फॉरेस्ट है, इसको बोलते हैं नेशनल फॉरेस्ट है। यहाँ पर रूट बहुत अच्छा है, रोड भी अच्छा है, लोग भी अच्छे हैं, खाना तो यार कुछ भी मत, इतना अच्छा है। पौंटा साहब तो भाई लोग, आप यहाँ पर जब भी आओगे गूगल मैप में डालोगे तो आप 100% गूगल मैप का भरोसा मत करना, क्योंकि गूगल मैप आपको यहाँ वहाँ भटका सकता है। रूट्स तो जाते हैं बट आप सीधा सीधा रूट जाओ जो मेन हाईवे है। आप यहाँ पर लोकलाइट्स को पूछो कि कौन सा रूट अच्छा है, आपको कहाँ से जाना है। आप ब्लाइंडली फॉलो मत करना गूगल मैप्स को, क्योंकि आपको भटका सकता है। सर पौंटा साहिब का रास्ता कौन सा अच्छा है, सीधा या ये वाला? सीधा ही है ना। Monkey, hello. Hello, monkey. आ जिंगे। ए सपने ले प्रशांत। अभी हिमाचल प्रदेश में एंटर होने वाला हूँ। उत्तराखंड अभी खत्म हो जाएगा, ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। बॉर्डर है ये, अभी आगे हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर स्टार्ट हो जाएगा, चेक पोस्ट लगेगा। ये अब स्टार्ट हो गया हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड खत्म, सीमा समाप्त। वो रहा पौंटा साहिब गुरुद्वारा। मेरे गुरुद्वारा केड़े गली च सीधा है क्या? अच्छा, थैंक यू। गुरुद्वारा पौंटा साहिब हिमाचल प्रदेश।
वाला ब्रिज, पबजी वाला ब्रिज। आनंदपुर साहेब, केसगढ़ साहेब स्टार्ट हो चुका है, अंदर पहुंच चुके हैं। 4 किलोमीटर में गुरुद्वारा पहुंच जाएगा तखत श्री केसगढ़ साहेब। पहुंच चुका हूं, सतनाम श्री वाहेगुरु। हाँ जी, उठे की और कमरा चाहिए थे? कमरा चाहिए जी, और आपका क्या? हाँ जी, अच्छा। 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 चले,